हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है अहमदाबाद में और अभी हम लोग उठे हैं 11:30 बजे। तो बस अभी नाश्ता मैंने ऑर्डर किया है, बट अभी नाश्ता ऑर्डर किया जब तक नाश्ता आता है। मैंने सोचा चाय बना लूँ, बट पानी भी था नहीं कूलर में, तो मैंने कूलर के लिए पानी के लिए भी बोला है। तो जैसे ही आता है मैं नाश्ता बनाऊँगी, मतलब चाय बनाऊँगी, एंड मैंने मिल्क के लिए भी बोल दिया है। बस नाश्ता आएगा, नाश्ता करेंगे हम लोग। ओके गाइस, हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी मम्मी के चैनल में, यानी इशरत खान यूट्यूब चैनल। मम्मी बोलो कुछ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम है, हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। अब हम लोग जाने वाले हैं किधर, आप लोगों को बताते हैं। चलिए हम लोग के साथ बने रहिए। आज डे थ्री है आज का, और हम लोग ने माशाल्लाह से दोनों दिन बहुत इंजॉय किया है। आधा टाइम होटल में बिताए पर बहुत इंजॉय किया। कल मगरिब के बाद असर के बाद गए, लेकिन हाँ फिर भी इंजॉय किया। हाँ असर हो गई, बहुत इंजॉय किया। थोड़ी वो शॉपिंग भी करनी थी, वो भी किए, कुछ गिफ्ट खरीदने थे। अभी भी 3 बज गए, लेकिन अभी तक हम लोग के ऑटो वाले का ठिकाना नहीं है। तो जैसे ही वो ऑटो वाले अंकल आएंगे तो हम लोग जाएंगे, हम लोग तो रेडी बैठे हैं। देखिए आप लोग आज क्या बताते हैं हम लोग, अगर वो चीज खुली रही तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, लेकिन कोई आधे जन बोलते कि खुला है, आधे बोलते बंद है। देखते हैं अभी वहां जाके पहुंच के, अगर वहां खुला रहा तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं खुला रहा तो मैं आपको बता दूंगी। जब हम लोग रिटर्न आएंगे होटल पे तो बताऊंगी आपको हम लोग कहाँ जाने का बात कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप थर्ड डे की। देखिए गाइस, अभी हम लोग निकले हैं थर्ड डे के लिए एंड द ट्रिप स्टार्टेड। गाइस हम लोग इस जगह की बात कर रहे थे, ये देखिए, ये है पतंग होटल जो लॉकडाउन से बंद है। तो ये इस होटल की हम लोग बात कर रहे थे, बट ये तो बंद है तो अभी हम लोग अंदर तो नहीं जा पाएंगे, तो मैंने सोचा आपको बाहर से ही दिखा दूँ। तो हम लोग यहाँ आए थे लंच के लिए, बट अभी नहीं खुला है तो अभी हम लोग देखिए किसी और जगह पे जाएंगे या कोई और जगह घूमने जाएंगे। तो देखते हैं अभी गाइस कहाँ जाते हैं। गाइस ये है भाई जो ऑटो वाले अंकल से बात कर रहा है, ये मम्मी है जो जा रहे हैं, और ये है हमारी पतंग होटल, और मैं वीडियो निकाल रही हूँ एज यूजुअल। ठीक गाइस, हम लोग आए हुए हैं काकरिया लेक फोर्ट। ये देखिए गाइस, ये काकरिया तालाब, बट आज तो हमारा बस पचके ही हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए मम्मी भी खड़े हुए हैं, और हमारे सिर्फ पचके हो रहे हैं आज, क्योंकि हम लोग के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो बस हम लोग के पचके ही चोरे आज पूरी तरह से। पतंग होटल गए वहाँ पर, वो बंद है, और यहाँ पर बिना वैक्सीन के अलाउड ही नहीं है अंदर। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ आओ तो वैक्सीन लेके ही आना, और लिए हो तो सर्टिफिकेट लेके ही आना। ओके गाइस, अब हम काकरिया लेक से चले गए हैं, हम लोग अब जा रहे हैं दूसरी जगह, देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम लोग आए हुए कहाँ पर, हज़रत शेख अहमद कुतुब गंज बक्कास। हम लोग यहाँ आए शेर खस रोज़ा, देखते हैं अंदर जाके। ये रहे मम्मी, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए देखिए गाइस, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ आने के बाद हमें एक चीज़ मालूम पड़ी है, ये है दरगाह शरीफ। ये देखिए मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ, ये दरगाह शरीफ है, और यहाँ पर आने के बाद हमें एक चीज़ मालूम पड़ी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये जो दरगाह वाले मतलब बाबा है उनको कुरान शरीफ दिया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। तो अभी हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो ये है दरगाह शरीफ, और यहाँ बैठ सकते हैं, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ा टाइम। ये देखिए, हाँ चलिए अभी देखते हैं हम लोग कुरान शरीफ, इंशाल्लाह देखने मिलेगी तो देखेंगे, हमारी सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी ये चीज़। देखते हैं, ये देखिए अभी हम लोग आ गए यहाँ पर।
ये देखिए गाइज, यहाँ पर रखा गया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान शरीफ लिखे थे वो यहाँ रखी गई थी। इन लोग ने बताया है अभी बच्चों ने, देखिए। और ये देखिए बहुत, ये बहुत पुराने सिक्के हैं। ये देखिए महाराजा ऑफ जोधपुर सुल्तान अहमद, औरंगज़ेब, अकबर अहमद, मतलब वो ये उस टाइम के सिक्के हैं जब अकबर बादशाह औरंगज़ेब लोग थे, तब के सिक्के हैं। ये देखिए, देखिए गाइस, ये एकदम स्कूल टाइप में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी बहुत सुकून है। और ये देखिए, ये जो बनाया गया है कितना प्यारा है। देखिए राउंड 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 इतना प्यारा लग रहा है। ये गुंबद है, ये गुंबद है। अच्छा देखिए, इधर भी है, ये मम्मी जा रहे हैं और मैं पीछे से शूट कर रही हूँ एज यूजुअल। ये देखिए यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर दो मज़ार शरीफ है। ये देखिए गाइज, ये बोलते हैं कि ये साफ़ा है या जायनमाज है, जो भी है। ये प्यारे नबी हैं, ये जहाँ के जो बाबा है उनको दिए थे, तो ये वो है। ये देखिए, इंशाल्लाह हम लोग प्यारे नबी के हाथों से लिखी हुई कुरान शरीफ देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए गाइज, ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, ये वो बाबा को प्यारे नबी ने दिए थे, अपने हाथों से बना हुआ है। जैसे यहाँ वाले बता रहे कि ये उनके हाथों से बना हुआ है प्यारे नबी के, तो माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये देखिए, हम लोग को ये चीज़ देखने मिली यहाँ आने के बाद। देखिए माशाल्लाह, यहाँ लिखा हुआ है कि जो बाबा थे वो जब वहाँ मदीने में रीच्ड हुए, उसके बाद उन्होंने खिदमत की गई, हज के बाद उन्होंने प्यारे नबी की खिदमत की थी, तो प्यारे नबी खुश होकर उनको ये चीज़ दी गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप लोग भी इंशाल्लाह आओगे तो ज़रूर आपको भी देखने मिलेगा ये। मम्मी बैठे हुए हैं और ये देखिए, ये दरगाह शरीफ है। हम लोग इतने खुश हुए आज, मम्मी और मैं दोनों खुश हुए हैं आज, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए मम्मी और मैं, क्योंकि प्यारे नबी की हमें चीज़ें देखने मिली है, तो बहुत बड़ी बात है वो तो हमारे लिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। देखिए विगो, अब हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये है हॉर्स, यहाँ पर वजू किया जाता है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। देखिए, एंड हम लोग अभी वापस जाएंगे, अब हम लोग अंदर जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये है वजू करने का हॉर्स और हम लोग यहाँ से अभी गेट से एंट्री कर रहे हैं अंदर, तो देखते हैं। चलिए, अभी तक तो किसी ने कुछ रोका नहीं है, देखते हैं, क्योंकि हम लोग खुद न्यू है, यहाँ मस्जिद है तो उसके लिए नमाज हो रही है, एंड हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो पता नहीं, अभी पता चले। ये देखिए, आई थिंक ये क्वीन पैलेस है, कुछ कंफर्म नहीं है, अभी पूछते हम लोग किसी से या फिर देखते, कोई बताने वाला भी है नहीं यहाँ पर। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो जाती है गाइस कि कोई बताने वाला भी नहीं है, बट शायद यहाँ के जो रेगुलर वाले जो आते हैं यहाँ घूमने आए, क्योंकि शायद उनमें से किसी को पता हो, या देखते हैं। हम लोग फ़ोटोज़ भी ज़रूर ले गए यहाँ पर, एंड इट्स लुकिंग नाइस गाइस। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। ये वो रूम्स होते ना, लाइक आप लोगों ने जो अकबर में देखा होगा, अलग अलग रूम्स होते रानियों के। ये देखिए गाइस, देखते हैं अभी वहाँ जाके कैसे लगता है ये लुक। यहाँ पर फ़ोटो वोटो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। तो ये है किंग महल और उसके बाजू में ये है क्वीन महल, यानी ये रानियों का महल है, वो राजा का महल है, कि एक राजा की बहुत सी रानियाँ होती है ना, इसके लिए ये क्वीन महल, सॉरी क्वीन पैलेस है ये, और ये किंग पैलेस है। और हम लोग बहुत दूर खड़े हुए, और आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि हम लोग बहुत नज़दीक है,
और से देखिए इधर पूरी यहाँ पूरा पानी था जब राजा का टाइम था, रहा मतलब जब राजा रानी लोग थे तब तक के 1400 साल पुराना है ये, तो यहाँ पूरा पानी था बट अभी हरियाली हो गई है देखिए। मिर्जा स्पेशल पेटल, ये देखिए तंदूरी आइटम है पूरा, हम लोग आज ये खा रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या है, ये है चिकन वाइट और वो नहीं है झींगा बिंगा, ये है आई थिंक नहीं है, हाँ ये झींगा है, ये झींगा है और फिश, ये फिश है, यही फिश है, हाँ ये फिश है और झींगा है, ये फिश है, ये झींगा है, बाकी ये सब चिकन का आइटम, चिकन का आइटम है, तो फिश और झींगा तो भाई खाएगा, बाकी के चिकन का आइटम हम लोग खाएंगे। देखिए मैं खा रही हूँ, देखिए स्मेल आ रहा है पनीर, अच्छा है। चलो अभी हम लोग भी खाएंगे। थकान हो रही है क्योंकि आज हम लोग बहुत घूमे हैं एंड आप लोगों को पता ही है हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। हम लोग गए थे पहले तो पंतंग होटल, वो बंद थी। सेकंड हम लोग गए थे कहाँ पर गए थे, काकरिया लेक, वहाँ पर वैक्सीनेशन का फंडा हो गया तो वहाँ पर भी हम लोग ने मतलब बोटिंग नहीं करे एंड पर ये सब चीज़ में हम लोग का पचका तो हुआ बट हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि हमें इतनी अच्छी जगह पे जाने मिला, मतलब हम हमारा दिल इतना खुश हो गया उस जगह पे जाके, जो ये पचके हुए ना वहाँ पर मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, पचके का मतलब ज़रा भी मतलब वो ही नहीं हुआ कि भाई हमारा पचके हुए, बट हमें इतना सुकून इतना अच्छा लगा वहाँ पर। ऑब्वियसली वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गए थे उस दरगाह पे, और जैसे कि आप लोगों को मैं बोली हूँ कि पचका हो रहा था, तो वो पचका हमारा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बाबा हमें अपनी तरफ बुला रहे थे, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि जो ऑटो वाले अंकल थे ना उन्होंने बोले थे कि वहाँ जाने के लिए, बट मैंने मम्मी ने भाई ने बोला तो नहीं, हम लोग ने प्लान किया था गांधी आश्रम जाना एंड काकरिया लेक, पतंग होटल, मतलब यहाँ वहाँ हम लोग ने जाने का प्लान किया था, बट ये सब प्लानिंग कैंसिल होके हम लोग उस जगह पर गए और इतनी अच्छी जगह पर गए, तो बाबा ने हमें अपनी तरफ खींच के बुलाए थे कि भाई आओ, और हम लोग को वहाँ बुलावा था तो हम लोग गए थे और बहुत मज़ा आई माशाल्लाह उस जगह पे, इतना सुकून था, मम्मी तो इतने इमोशनल हो गए थे, मम्मी बोले कि अगर मुझे इतना इमोशनल इधर लग रहा है तो जब मैं मदीना शरीफ जाऊँगी तो मेरा क्या हाल होगा, एंड सेम पिंच मेरा भी वही हाल था कि मैं भी बहुत इमोशनल हो चुकी थी, बिकॉज वो एक मोमेंट था और वो मोमेंट इतना अच्छा था, अभी भी वो आँखों के सामने मोमेंट आ रहा है के लिए। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको करनी सिर्फ चार चीज़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियोस कैसी लगती है हमारी, अगर आप बताओगे हमें तो हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे, और माशाल्लाह ये ट्रिप तो बहुत अच्छी जा रही है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में मिलेंगे, फोर्थ डे और हमारा लास्ट डे भी होगा वो अहमदाबाद में, तो उसका भी शूटिंग मैं करूँगी ज़रूर। तो चलो अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।